कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वॉज और वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। रूल नंबर वन हमें दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो यह लास्ट में सेंटेंस के रहा था यूज हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी यूज किया गया है। रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही, देन वॉज या वर्ब में से हमने लिखा वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर। रूल नंबर टू, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही, वॉज या वर्ब में हमने लिखा वॉज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन नॉट फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर। रूल नंबर थ्री, वॉज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें वॉज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा था। तो हमने लिखा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज, देन सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर फोर, वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था। तो रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिखा वॉज, देन सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर फाइव, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें व्हाई वॉज ही राइटिंग अ लेटर, वह पत्र क्यों लिख रहा था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, वॉज या वर्ब में से हम लिखेंगे वॉज, देन सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर सिक्स, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमें दिया है व्हाई वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, देन वॉज, सब्जेक्ट लिखेंगे हम ही, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ वॉज और वर्ब, वॉज का यूज आई, ही, शी, इट या कोई एक पर्सन जैसे कि राम या सिंगुलर नाउन के साथ होता है। वर्ब का यूज यू, वी, दे या कोई दो या दो से ज्यादा पर्सन जैसे कि राम और श्याम या प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मींस यदि सेंटेंस में विल बी और शैल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो या सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हो तो वो सेंटेंस हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में होंगे। रूल नंबर वन, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा होगा। तो यहाँ पर विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी के साथ यूज हो रहा है और लास्ट में ऑब्जेक्ट भी है और सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा का भी यूज किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही, देन विल, देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर। रूल नंबर टू, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर,
वह पत्र नहीं लिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही, देन विल, देन नॉट, देन वी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर। रूल नंबर 3, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, विल ही बी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले हमने लिखी हेल्पिंग वर्ब विल, देन सब्जेक्ट ही, देन बी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस इज, विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, देन सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन बी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, व्हाई विल ही बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र क्यों लिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड व्हाई, देन विल, सब्जेक्ट ही, देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, व्हाई विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड व्हाई, देन विल, सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन बी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ विल या शैल, विल का यूज ही, शी, इट के साथ किया जाता है या एक पर्सन जैसे कि राम या कोई सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। शैल का यूज आई, यू, वी, दे, इनके साथ किया जाता है या दो से ज्यादा पर्सन जैसे कि राम या श्याम दो पर्सन है वहां यूज होगा या कि प्लूरल नाउन हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो आदि आते हैं। रूल नंबर 1 हमें दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें, ही हैज रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका है। तो यह सेंटेंस के लास्ट में चुका है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने लिखा हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुका है। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही, देन हैज, देन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर। रूल नंबर 3, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, हैज ही रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र लिख चुका है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, देन सब्जेक्ट ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, देन सब्जेक्ट ही, देन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, व्हाई हैज ही रिटन अ लेटर, वह पत्र क्यों लिख चुका है।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, देन हैव, सब्जेक्ट ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज एव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वाई हैज ही नॉट रिटर्न अ लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका है। तो सबसे पहले हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड वाई, देन हैज, सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ हैज और हैव, अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के यूजेस के बारे में बताएंगे। हैज का यूज ही, शी, इट या जैसे एक पर्सन, राम या सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। हैव का यूज आई, यू, वी, दे या दो पर्सन जैसे राम या श्याम या दो से ज्यादा पर्सन या किसी प्लुरल नाउन के साथ यूज किया जाता है।